संगवारी हो, ये छुई खदान के मे रोड है जो साइड में है, ये हरे बस स्टैंड वहाँ मन निकल गए अपन मंडी फूल के रास्ता पर। तो मैं वो चाचा निकलते हैं, तो आज का मौसम बहुत सुहाना है, हल्का हल्का से धूप निकले, बहुत ही मज़ेदार है। तो हम यहाँ निकल गए, ये देख सकते हैं छुई खदान के रोड है, और ये हम लोग पहुँच गए, निकल गए भाई अपन रास्ते की ओर। तो मस्त सुहाना सुहाना मौसम है और मस्त आस पास पूरे जंगल है जंगल है, देखकर मजा लेते हुए हमारे काका भतीजा निकलते हैं। और देख सकते हैं वो चाचा खोपला दिखाते हैं, ये देख सकते हैं चाचा उन्हें, हम दोनों के दोनों जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन देख सकते हैं हमारा कितना पसीना निकले, तो धूप के कारण हम बाइक में आए। उस साइड से आते हैं कहाँ पहली मेटा, और ये साइड से आते हैं मंडी फूल जो 13-14-15 किलोमीटर दूर है। जब भैया मन जाते हैं देख सकते हो, अतिक ज़्यादा जात के पूछो ही मत आप मन। हाँ चलो हम वहाँ जाते हैं और दिखाते हैं बरछा कैसे थे, दिखे बने दिखेगा भाई छा गया ना झोल। तो फ्रेंड्स अभी हम सुस्ता नहीं थे, बबल सुस्ता नहीं जो खड़े थे गाड़ी में चला के सालों के जा रुके है। तो आप कहाँ जाते हो भैया? मंडी फूल गुफा जाते हो? के सालों के जाते आप ला वहाँ गुफा में, कतेक अंदर तक है गुफा? सीधा क्या है भाई वो? सीधा। तो आप वहाँ पूरा ऊपर तक गए भगवान के दर्शन करें? छोटा सा मंदिर है, हाँ भगवान के मूर्ति है छोटा सा, वहाँ साधु बैठे रहते हैं। साधु बैठे थे, रोज बैठे रही थी आज एक दिन बस बैठी थी? अब ये साल में एक बार बस खुलते कि बीच बीच में? नहीं नहीं साल में की बात है, एक बार खुलते ना। तो भैया बता जी साल में एक बार खुलते हो, सही बात है। और वहाँ कोई सांप कीड़ा मकोड़ा इज्जत नहीं रहना गुफा अंदर? कुछ नहीं मिले, आज के दिन बहुत भीड़ थे वो। हाँ मंडी फूल सीधे जाते भाई, हाँ तो भाई मन भी मंडी फूल जाते। हाँ चलो ठीक है, साड़ी लुगरा बेचाते। तो और कुछ वो बारे में बता सकते हो हमारा? पूरा खोल है, पूरा समुद्र पानी है पूरा, मतलब अंदर में पानी भी है? अंदर में पानी भी है, मतलब देख सकते हो कतिक गड्ढा है पानी, मतलब कतिक में नहा के जाना पड़ता है पानी ला? एक घर जाओगे जाग भर है, एक में जाओगे पूरा मुड़ पूरा सर सुपर है। तो बहुत नहा के जाते आदमी मन पूरा मतलब पानी के अंदर। तो संगवारी हम निकल जाते अपन मंजिल की ओर, मंडी फॉल की ओर। तो हमारे अपन दोस्त लोग बोले चलो करके, और देख सकते हो बैनर भी लगे हैं कि आगे तरफ मंडी फॉल है करके। तो यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, रास्ता के साथ साथ मौसम निकल जाता है ना, बहुत दूर है यहाँ से, 14-15 किलोमीटर दूर है मंडी फॉल की गुफा है। तो भैया मन भी सब जाते देख सकते हो बाइक ही बाइक कार में। तो हम अपन मंजिल की ओर निकलते हैं, ओखर से पहले आप लोग दिखा देखें कि अगल बगल के पहाड़ मन कितना बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है भाई। बीच पहाड़ में जो है मंडी फूल के गुफा है, वहाँ छोटे से जगह से अंदर जाना पड़ते बोलते। तो हम तो कभी गए नहीं है लेकिन आप लोग भी चलो। तो मंडी फूल के बारे में आप लोग रहस्य बता देते हैं कि वो है अकती त्यौहार के पहला सोमवार के दिन खुलते बोलते, वही दिन बस खुलते, उखर बाद वहाँ कोई जाए नहीं। तो जितना भी भीड़ थे वो सोमवार के दिन थे, वो भी शाम तक। तो हम वन जाते हैं दिखाते हैं कि हम अंदर घुस पाथन कि नहीं घुस पान। और वोला नहाके से पहले 21 ठोक नदियाँ नहाकना पड़ते बोलते। तो ये पहला नदी हरे जो नहाका था, यहाँ काम चालू है और ऐसे ही से 21 नदियाँ नहाकना पड़ते बोलते, एक ही नदियाँ 21 बार नहाकना पड़े बोलते। तो चलो देखते हैं हम कितना नदियाँ नहाक पाथन कि नहीं नहाक पान। तो एंड तक हमारे चैनल और वीडियो में बने रहूँ, और आप लोग वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताओ भाई। हम पार करबो बहुत ही मेहनत से। तो देख सकते हो अब यहाँ से इतना धूल, पूरा शरीर और कपड़ा लपटा के पूरा ऐसी के तैसी हो जाते। तो चलो बने रहो और चलथन, और नदिया भी नहाकथन और आप लोग भी दिखाए थन कैसे प्रकार से नहाकथन ओला। तो बने रहो और चलथन भैया हमन अपन रास्ता की ओर। तो देख सकते हो सब भाई जो सुबह से गए थे मन वापस आए, टाइम हो गया उखर मन के सब वापस आते घूम के, लेकिन हमन अभी जाथन 12-1 बजे। तो हम वो गुफा के दर्शन कर पाबो, भगवान के दर्शन कर पाबो नहीं कर पाबो, उखर से चेहरा बांध के रुमाल निकल जाते हो। बने रहो वीडियो में, चलथन वहाँ और दिखाथन वहाँ का है माहौल और कतन नदियाल पार करथन। आप गिनत रहो कमेंट करके जरूर बताओ। नदिया वही वाला नगा, हाँ वही जन एक दूसरा बार ये पार करा था ना मैंने, दे दूसरा बार पार ये दे। तो बहुत भीड़ है तो यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया ट्रक के कारण, वो ट्रक है पूरा ट्रैफिक जाम करे। तो हम ना ऐसे तरह से निकले प्रयास करते हैं। तो संगवारी हमन बहुत ही पास हैं, पहुँच गए हैं और वे देख सकते हो यही सब गाड़ी वाड़ी खड़े, इतना भीड़ है पूछो ही मत। और वहाँ से आते तक हमार का हाल हो गया देख सकते हो, वो देख जूतक का हाल है। 21 नदी नहा के पड़ते बोलते, और लास्ट वाला नदी ये सामने में है, 21 नदी नहा के एक बाद वो मंडी फूल की गुफा है जो हाँ है। कैसे भैया आगो घुस के अंदर से दर्शन करो कि नहीं करो? दर्शन बराबर करें ना भैया। अच्छा कह रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया भैया। भाई आप कहाँ से? राजनांदगांव। राजनांदगांव से भैया है यहाँ दर्शन करे पर, और कितना जी का भाई तुम ना? हाँ अकेला है? नहीं नहीं हमन तो 50-60 जना है भैया। राजनांदगांव भाई मनाए गाड़ी बाइक में हो भाई? ये देख सकते भाई मना कितना श्रद्धालु भक्ति से बाइक से राजनांदगांव है। अरे और देख सकते इतना भीड़ है भाई, का पसीना पसीना छूट गया देख सकते, फूल इतना हो गए
दिक्कत लेकर सब चीज कैसी कैसी होगी भाई, क्या बताओ मैं। और हमूँ जाबो दिखाबो का है माहौल वाहौल आगे के। तो हमन वेट करे थे हमारे चाचा के, चाचा के दीद आते छुई देखते हूँ ला भाई, देख सकते भाई का अरे अच्छा बाइक ला के यहाँ थज्जिया उड़ा दी भाई, ये देख सकते भाई, भाई दर्शन कर डो यार, दर्शन कर डो। अरे अभी जाएंगे यार। अरे कहाँ से आ रहे हो वापस फिर भाई? है बाइक ला के तरफ लेके फिर वापस आते बोलते हैं। कहाँ से रहो भाई आप? मना ये गर्रा सर देख सकते भाई, भाई हालत देख सकते इतना दूर। एक ही नदी लिखी बार पार करके आना पड़ता, देख सकते सब नहात बहाते उतर, यही हम जाते हैं ये नदी। अरे वो देख सकते हो जूता तो पूरा इसी तैसी हो गया, इसी कारण मैं पुराना वाला जूता पहन के आ रहा हूँ, क्या बताऊँ। देख सकते हो पूरा पानी वानी है बाहर, चपटान से अपनी से जात हैं। और चलो अंदर जाके भी दिखाबो और बने रहो वीडियो में तक, देख सकते हो भैया मैं सब जात। तो संगवारी हो यहाँ लगे थोड़ा मंडे जी से, तो कुछ कुछ चीज़ है तो खाए पिए के और सब यहीं पर गाड़ी वाड़ी भी पार्क करते। इधर से आगे चल के आधा किलोमीटर जंगल में घुसे के बाद ही वो पहाड़ आते, वो पहाड़ के अंदर ही वो गुफा है। तो चलो चलथन और दिखाथन आप मल्ला, देख सकते हो खाए पिए बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है। मतलब भूख लग गई थी, मैं सब चीज़ें छोड़ के मैं आया था गुफा के तरफ, और गुफा देख सकते हो वो ऊपर वाले पहाड़ में है, पहाड़ ला पार कर। देख सकते संगवारी हो सब कते श्रद्धालु भक्त में, संगवारी हो पूरा जंगल जंगल चढ़ना पड़ते ऊपर, और वही देख सकते नीचे पूरा भैया मना। अरे बहुत ज़्यादा ही डर सके हमार, तो हालत प्रस्त हो गया पूरा, ये दे अतने चगे हो मोर पैर हाथ दर्द के रहते, बाल वाल फ्रीसी हो गए नहीं। आगे हम पूरा आगे में खड़े गेट, वहीं घुसना पड़ते, देख सकते कते ऊपर चढ़ना पड़ा। चलो चल हम चल, पूरा पूरा थक गए भाई हम, देख सकते हो हाथ भयंकर ज़्यादा ही खाई है। चलो हिम्मत हारना नहीं भाई, जाना है पल्ला अंदर घुस के दिखाना भी है। बहुत ऊपर तो फाइनली गए हम लोग, आ चुके हैं इन जगह, हम आ गए जिस जगह हम पूरे थे घुसते लोग अंदर, तो हम तो वो नहीं घुस सकते, हमारा डर लगा गया बाहर ही। अरे बाहर देख सकते हो लाइन लगाना पड़ते, वहाँ डंडा धर के मारे पर फूले भाई। नहीं जाके दिखाता हूँ आपके पास ले दिखाता हूँ भाई, तो देख सकते तो संगवारी हो मुलत बहुत डर लगा थी ये अंदर में जाए पर, लेकिन मैं हम हिम्मत करके जाऊँ जाऊँ सोचा हूँ, लेकिन भाई मुल डर लगा थे कैसे करो समझ नहीं आ पाते। मैं अपन भाई दो साइड से जाते, लेकिन मैं नहीं जाऊँ करके वापस जाऊँ करके सोचा, तो देख सको कितना भीड़ है और इतना ही आदमी अंदर में ही बोलते, तो मैं वो छोड़ छाड़ के बाहर जाए सोचा था, तो निकलत भी तो नहीं बना था कैसे निकलूँ करके, लेकिन कैसे भी करके अब मैं निकलूँ गाइस, काबर मैं घुस नहीं पाऊँ भाई, डर लगा मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं निकलता हूँ बाहर से आप निकल के। ये मैं देख सकते हो भाई मन भी अंदर निकले थे, यहीं पर भगवान के नाम से नारियल फूल लेते और प्रसाद ले बांट देते, हमन प्रसाद खा लेते हैं वो हम बाहर तरफ जाते।
वाह वाह मत करना और वीडियो बनाते हम डाला है YouTube में देख सकते हो। ये है कौन है भाई तेरे? अमन। अमन अदरिया की फेमस ये वाला है देख सकते हो भैया मन भी सब सुनते हैं। तो मोर चाचा मन की वेट करते हो चाचा मन भी आ गए वो दे तो चलो उजा वो करके बोलते तो हमन चलो निकलते हैं वहीं जाए वो चलो भाई अंदर का तो संगवारियों हमन गुफल निकल के ना वही महाराज मन पास से हमें यहाँ थोड़ा स्टिका उका लगवा लेते हो करके जाता हूँ महाराज मन पास वही मन लमे बोलते हटो भी है थोड़ा सा करके फिर मैं यहाँ महाराज मन से थोड़ा आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद में टीका लगवाता हूँ। तो देख सकते हो महाराज जी है अभी चंदन या काय मुनि पता लेकिन पैसा दिख रही है एक नंबर इसे लगे भाई ये एक नंबर लगा था फिर उसके बाद ये महाराज से भी लगवा दूँ महाराज से आशीर्वाद लेके निकल जाता हूँ। कहाँ भूपेन भाई से मिले पर भूपेन भाई का तीत खोजो बहुत टाइम से मिली नहीं है अब आशीर्वाद लेके निकलता हूँ कि भूपेन भाई मन मिल जाए करके। तो चलो देखते हैं भीड़ में तो नहीं है भूपेन भाई साइड से निकलते हैं उतना टाइम मोला दिखते भूपेन भाई है तो देख सकते हो भूपेन भाई एकदम गोवल वगल लगाता है भूपेन भाई अभी तक अंदर नहीं है तो मैं भूपेन भाई बोलता हूँ जा भाई अंदर से आ करके तो नहीं आओ करके बोलती तो फिर मैं अपन चाचा वाला देखता हूँ और वहाँ से अभी आप मन के पहले साले के दूसरे साले आओ घुस रहे हो अंदर में मतलब बहुत अंदर में पूरा हाल कैसे की नहीं है अंदर पूरा सात हजार आदमी होगा अंदर में अतिक ज्यादा भीड़ है और भगवान के दर्शन हुई तुम्हारे मन से रास्ता कते अंदर ले घुसर बाहर घुस के निकले अंदर ले तुम्हें अंदर में और कतेक भीड़ है अंदर है 3000 आदमी हुई तो आप मतलब ऐसा आओ तो तुम्हें अच्छा लगी थी कैसे लगा तुम्हें अभी गर्मी बहुत ही अगले साल से ज्यादा भीड़ है अंदर में हाँ गर्मी एक सांस पास लेबर रखो ये परेशानी परेशानी कोई परेशानी नहीं मतलब जो भीड़ है यही पास है बाकी कोई भीड़ नहीं है अच्छा अतिक जड़ अंदर है गुफा है अतका यही पास गेट पास पर भीड़ है चलते चलत गए कि अगर माड़ी के बाहर गए अपन नहीं नहीं चलते चलत गए अच्छा इसे का चलो ठीक है भैया डर वर नहीं लगी तुम्हारा कीड़ा मकोड़ा डर वर नहीं लगी कुछ चीज अंधियार है पूरा अंदर हो देखने के कारण तुम्हारा घुस के निकल गए पूरा संगवारी हो पूछो भैया मत जैसे कि और कखरो कखरो पूछतन उछतन बातचीत करतन तो बने रहो वीडियो में और कोनो बाबा वाले पूछतन कहाँ कहना है और कैसा रहो गुजर कैसा बहुत ज्यादा भीड़ है कि नहीं है ला और चलो ये देखे पूछते नहीं कभी देखे से कि निकलो भैया कहाँ घुस में जाए भीड़ के मारा यहाँ अभी कभी साथ मिल पाते आप कितने साल घुसे हो अंदर में पहली कहा एक बाद एको साल पहले नहीं दे रहे पिछले साल में तो आप घुसे नहीं पाओ नहीं भैया क्या बात करके भगवान के दर्शन के दर्शन तो मिलीस नहीं था अच्छा बहुत अगले साल से मतलब पिछले साल से इस साल ज्यादा भीड़ है पिछले साल से तो होगा है लॉकडाउन के बाद अभी तक दूसरा वो चला था मैं भयंकर भीड़ ऐसे का दूसरा लॉकडाउन में तो हाँ